आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप मीशो एप्लीकेशन पर अपनी आईडी बना रहे हैं या फिर अपनी आईडी लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके नंबर पर ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें, आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मीशो ऐप से बाहर आइए और उसके बाद अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए। सेटिंग्स को ओपन करके नीचे आइए। नीचे आकर आपको मिलेगा ऐप मैनेजर या फिर ऐप मैनेजमेंट के नाम से एक ऑप्शन। तो सेटिंग्स में नीचे ही आपको मिल जाएगा ऐप मैनेजर, मैनेज ऐप्स या फिर ऐप्स के नाम से एक ऑप्शन। अगर सेटिंग्स में नहीं मिलेगा तो आपके फ़ोन में अगर एक मोर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा तो इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करके ऐप मैनेजर पर क्लिक करिए और आपके फ़ोन के सारे एप्लीकेशन यहाँ पर आ चुके हैं। अब उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए और नीचे आकर आपको मिलेगा मीशो, देख सकते हैं इस टाइप से। तो मीशो पर क्लिक करिए, उसके बाद फोर्स स्टॉप पर क्लिक करिए, नीचे ओके पर क्लिक करिए, उसके बाद स्टोरेज पर क्लिक करिए, यहाँ पर क्लियर डेटा पर क्लिक करिए, नीचे क्लियर पर फिर से क्लिक करिए, उसके बाद बैक आइए, परमिशंस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी परमिशंस अलाउ करिए, उसके बाद बैक आइए, फिर से बैक आइए। अब आपको एक मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा, मैसेजेस पर क्लिक करिए, स्टोरेज पर क्लिक करिए, क्लियर कैच पर क्लिक करिए, उसके बाद बैक आएंगे और बैक आने के बाद आपको मिलेगा परमिशंस का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये सारी परमिशन अगर आपकी चालू नहीं है तो इन सारी परमिशंस को चालू करिए। परमिशंस को चालू करने के बाद अब यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं और अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए, यानी कि रीस्टार्ट करिए। उसके बाद चेक करिए, मीशो ऐप पर आपका ओटीपी आ जाएगा। अब उसके बाद नीचे अकाउंट पर क्लिक करके साइन अप पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करिए और जैसा कि देख सकते हैं अब हमारा ओटीपी आ चुका है। तो इस टाइप से मीशो एप्लीकेशन में ओटीपी प्रॉब्लम को ठीक करें। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।